नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता तुलसा। प्रिय भक्तगणों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक महालय का 8वां और 9वां अध्याय, जिसमें राजा पृथु नारद जी से तुलसी माता की पाप नाशनी कथा सुनाने का आग्रह करते हैं, जिनकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महालय का कमल सुने 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान विष्णु के प्रीति के लिए उद्यापन करें, तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावें, उस केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उनकी विचित्र शोभा बढ़ावें, मंडप के चारों ओर दीपों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर उन्हें रखें, उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावें और उन्हें फूलों तथा चंवर से सुसज्जित करें, चारों ओर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं, जय विजय चंड प्रचंड नंद सुनंद कुमुद और कुमुंदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उनके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत बाध्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के नियमित जागरण कर रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। इसके बाद पूर्णमासी में सपत्नी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें, भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें, होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें, फिर उनसे इस प्रकार से क्षमा याचना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो, इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो, पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान दे, उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को उनसे उनका दर्शन और पूजन किया। इसीलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महालय सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक महालय का 9वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है,
अतः मैं श्री तुलसी जी के महालय को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकी नाथ होने का गर्व था, उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुड़कते हुए कहा, अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुम पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन इस दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्थगित कर दिया और विकराल नेत्र कर उन्हें देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्नि तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। एक बार प्रेम से बोले जय शिव शंकर, नौवां अध्याय समाप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता का भजन। राम चलन मधुबन वन हो, सीता गलियन में ठाड़। राम पूछन अपने बाबा जी से हो, सीता रख बाकी ना। लेही ले तीन सीता लोटा डोरिया ना हो, सीता करे असनान। तुलसा के दीहें ठंडा जलवा न हो, तुलसा हुई है कचनार। राम चलन मधु बनवा न हो, सीता गलियन में ठाड़। राम पूछन अपने माता जी से हो, सीता रख बूकी ना। लेही ले तीन सीता लोटा डोरिया न हो, सीता करे असनान। तुलसा के दीहें ठंडा जलवा न हो, तुलसा हुई है कचनार। राम चलन मधु बनवा न हो, सीता गलियन में ठाड़।
जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और हाँ, कमेंट में जय माता तुलसा, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सदा मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।